सो वेलकम बैक टू क्यूरियस क्रिक। आज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल्स। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। आज आपको एक इमेज दिखाई जाएगी और वो इमेज क्रिकेटर्स के नाम से रिलेटेड होगा और वही इमेजेस को देख के आपको प्लेयर्स का नाम गैस करना है। और हिंट्स की अगर आपको नीड हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हिंट्स या फिर क्लूज नीचे चेक कर सकते हैं। और समय की बात की जाए तो हम आपको 10 सेकंड्स देंगे, लेकिन आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। तो ये पहला आसान उलझन आपके स्क्रीन पर। और इसका जवाब तो आपने शायद थंबनेल से ही गेस कर लिया होगा। जवाब था सूर्य कुमार यादव। कैसे? इमेज में क्या है? एक सूर्य, और इनके नाम में भी आता है एक सूर्य, तो नाम मैच हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है इन पजल्स को। होप आपको एक आइडिया आ ही गया होगा। तो चलते हैं दूसरे पजल की ओर। तो ये दूसरा पजल आपके स्क्रीन पर। और सल्यूशन था ट्रैविस हेड, क्योंकि इमेज में था एक हेड। होप आपने गेस कर लिया होगा। तो चलते हैं तीसरे उलझन की ओर। तो ये तीसरा पजल आपके स्क्रीन पर। पहले देखिए इमेज में क्या था। इमेज में एक होल्डर है, एक बल्ब होल्डर। तो शायद अब आपने आंसर को गैस कर ही लिया होगा। जवाब है जेसन होल्डर। तो ये चौथा उलझन आपके स्क्रीन पर। और सल्यूशन था एलेस्टेयर कुक। कैसे? इमेज में देखिए, इमेज में है कुक और ये है एलेस्टेयर कुक। हुआ ना जवाब? काफ़ी लोगों ने इसे गैस कर लिया होगा, लेकिन अब काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ सकती है। बहुत लोगों ने हिंट्स अब तक यूज़ नहीं किया हो, लेकिन शायद उन्हें भी अब हिंट्स की ज़रूरत पड़े। तो देखते हैं अब आने वाले पजल को आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो ये पाँचवा उलझन आपके स्क्रीन पर। और इसका जवाब था एशले नर्स, क्योंकि इमेज में है एक नर्स। होप आपने इसे गैस कर लिया होगा। कुछ लोगों ने इसे सॉल्व करने के लिए हिंट का हेल्प लिया होगा, लेकिन काफी लोगों ने इसे बिना हिंट के भी सॉल्व कर लिया होगा। तो ये छठवा उलझन आपके स्क्रीन पर। और इसका सल्यूशन था ग्राहम ऑनियंस। इसमें काफ़ी लोग फंसे होंगे, काफ़ी लोगों को शायद इनका नाम भी ना मालूम हो। ग्राहम ऑनियंस ये फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर है, और मैक्सिमम लोगों ने इसे सॉल्व करने में हिंट का हेल्प डेफिनेटली लिया होगा। तो चलते हैं हमारे आखिरी पजल पर। तो ये सातवां और आखिरी उलझन आपके स्क्रीन पर। और इसका सल्यूशन था एंगेलो मैथ्यूज। कैसे? जरा इमेज को ध्यान से देखिए। इमेज में एक एंगल था और एक सर्कल था। क्या ये सर्कल है? नहीं, मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं नहीं, जो हमारे गेस्ट है वो बताएंगे। ये सर्कल नहीं है। जी हाँ, ये सर्कल नहीं, ये एक्चुअली ओ है, अल्फाबेट ओ। तो आंसर है एंगल ओ
मैथ्यूज, एंगेलो मैथ्यूज। होप आपने लास्ट वाला पजल हिंट देख के तो गैस कर लिया होगा, और जो लोग गैस नहीं कर पाए उन्हें तो हमने जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ बता ही दिया है। तो आपने कितने पजल्स को विथ हिंट और विदाउट हिंट सॉल्व कर दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए। होप आपको आज वीडियो में मज़ा आया, अगर मज़ा आया तो थम्स अप दे दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी डेफिनेटली प्रेस कीजिए। और इसी प्रकार का एक पजल वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, यानी कि ये पार्ट टू था। पार्ट वन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ये वाला पजल एंजॉय किया है तो पार्ट वन को भी आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों के साथ, नए उलझनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।